कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने आखिरकार कांग्रेस को अलविदा कह दिया। संपत सिंह नलवा हलके से अपनी टिकट काटे जाने पर नाराज चल रहे थे। संपत सिंह ने कांग्रेस के नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ गिने चुने नेताओं ने एक तरीके से पार्टी पर कब्जा कर लिया है और मात्र 7 चेहरों ने 90 सीटों का आपस में बांटकर निर्णय भी कर लिया है। साथ ही संपत सिंह का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कई आरोप लगाए। मेरा जो है ना अब प्राइमरी ये रहेगा काम है, मैं आपको बता दूं, पहला मेरा काम रहेगा कि आदमपुर हलके में जिस परिवार ने मुझे राजनीतिक तौर पर खत्म करने का प्रयास किया है, कल को वो हारे जीते लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं उनको अच्छी तरह से वहाँ हराऊं, ठोक के हराऊं। मेरा प्रयास रहेगा, मैं ये नहीं कह सकता मैं सब कुछ हूँ, प्रयास ये रहेगा जनता को जो है सहयोग लेकर। मैंने आज भी कहा है सबको कि फैल जाओ एक एक करके, अगर अपने आप को और मुझे जीवित रखना है तो उनको ठोकना जरूरी है। और दूसरा ये है कि जो मेरी टिकट काट के जिसको दी गई है उसके जमानत जब्त करानी है, हारा हुआ तो है, उसके जमानत जब्त करानी है।